हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ रसगुल्ले। जी हाँ, ये हैं ब्रेड से बने हुए रसगुल्ले। इसे हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रेड रसगुल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए वाइट ब्रेड, ये मैंने ब्रेड ले रखी है, चीनी जिसे मैंने पीस लिया है, और दूध। ये 3 ही इंग्रेडिएंट हमें चाहिए और इससे हमारा सारा काम हो जाएगा। ये मैंने 8 स्लाइस ब्रेड ले रखा है, ये आप देख सकते हैं। ब्रेड बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, नहीं तो हमारे रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। रसगुल्ले बनाने के लिए हम ये ब्रेड के चारों तरफ जो ब्राउन लेयर है उसे हटा देंगे, इस तरह काट के। इस तरह मैंने सारी ब्रेड के लेयर्स काट लिए हैं, ये इस तरह काट लीजिए। अब मैंने सारी ब्रेड के लेयर इस तरह काट लिए हैं। अब इन सारी ब्रेड को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में हमें तोड़ लेना है, इस तरह। आप जितने छोटे टुकड़े हाथ से तोड़ सकते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें तोड़ लीजिए। ये मैंने सारे ब्रेड के टुकड़े तोड़ लिए हैं। अब मैं इसमें मिल्क मिलाऊंगी। ये मैंने 4-5 चम्मच मिल्क का डाला। मिल्क का टेम्परेचर बिल्कुल रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, या तो आप चाहें तो थोड़ा गुनगुना कर लीजिए, पर मिल्क ठंडा नहीं होना चाहिए, मीन्स फ्रिज से निकाल के आपको यूज़ नहीं करना है। इस तरह हम इसे मिलाएंगे, जैसे हम आटा गूंथते वक्त हल्के हाथों से पानी देते हैं उसी तरह करना है, एक साथ सारा मिल्क नहीं। ये ब्रेड मेरा गूंद गया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डालूंगी, इस तरह। फिर से इसे अच्छे से मिलाइए जिससे सारी चीनी इसमें मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मेरे हाथों में नहीं लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि यह मैं ब्रेड को मैं इस तरह से मिला रही हूँ। फिर से चीनी 1 चम्मच और, इस तरह से हम इसे मिला लेंगे बहुत ही अच्छे से। इसमें मैंने सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ दूध और चीनी और ब्रेड। ये हो चुका है, आप देख सकते। 10 मिनट इसे छोड़ देंगे। अब हम चाशनी बनाने के लिए 1 गिलास पानी और ये एक छोटी कटोरी में चीनी लेंगे। मैंने जितना चीनी लिया है उसी का दुगना मैंने पानी लिया है। ये मैंने चीनी और पानी दोनों को एक साथ डाल दिया है चाशनी बनाने के लिए। चाशनी हमारी एक तार वाली बनेगी। रसगुल्ले के लिए चाशनी हमेशा एक तार की ही होती है। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में 5-6 मिनट तक पकाइए और बीच बीच में चलाते रहिए। जब तक हमारी चाशनी पक रही है, ये रसगुल्ले का मिक्स रेडी हो चुका है। अब हम इसकी गोलियां बना लेंगे, इस तरह से। आप देख सकते हैं इन्हें हाथों से अच्छी तरह से गोल गोल कर लें। ये बिल्कुल हाथों में चिपक नहीं रहा है, बहुत ही आसानी से हो जा रहा है। चाशनी हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसमें रसगुल्लों को डाल देंगे, इस तरह से। रसगुल्ले डालने के बाद इसे घड़ी देख के सिर्फ मीडियम टू हाई फ्लेम में 5 मिनट तक पकाइए और ठंडा होने के बाद ही हम इसे सर्व करेंगे। ये आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं और रसगुल्ले मेरे बिल्कुल रेडी हैं। अभी क्या आप बता सकते हैं कि ये ब्रेड से बने हुए रसगुल्ले हैं? ये बिल्कुल छेने के रसगुल्ले की तरह ही नज़र आते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये हैं हमारे रसगुल्ले, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा मेरी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।